अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के दिन उम्मीद से ज्यादा कारोबार हुआ। इस दिन करोड़ों की संख्या में राम मंदिर का मॉडल, माला, लटकन, चूड़ी, बिंदी, कड़े, राम ध्वज, राम पटके, राम टोपी, राम दरबार और राम मंदिर के चित्रों की खूब बिक्री हुई। इसके अलावा करोड़ों की मिठाई, ड्राई फ्रूट्स के प्रसाद और पटाखों की भी भारी मात्रा में बिक्री हुई। कारोबारी संस्था कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के अनुमान के मुताबिक प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन पूरे देश में 1,25,000 करोड़ रुपए का कारोबार हुआ। इसमें अकेले दिल्ली में करीब 25,000 करोड़ और उत्तर प्रदेश में एक दिन में 40,000 करोड़ का कारोबार हुआ। कैट के मुताबिक देश में पहली बार ऐसा हुआ जब आस्था और भक्ति के कारण इतना पैसा व्यापार के जरिए देश के बाजार में आया। खास बात यह है कि सारा व्यापार छोटे व्यापारियों और लघु उद्यमियों द्वारा किया गया। इसके कारण यह पैसा व्यापार में आर्थिक तरलता को बढ़ाएगा। कैट के मुताबिक श्रीराम मंदिर की वजह से देश में नए व्यापार के कई मौके मिले हैं और बड़े पैमाने पर लोगों को रोजगार मिला है। अब समय आ गया है कि एंटरप्रेन्योर्स और स्टार्टअप्स को व्यापार में नए आयाम जोड़ने की कवायद करनी चाहिए। इसको लेकर कैट जल्द ही शहर अयोध्या, हर घर अयोध्या राष्ट्रीय अभियान के अंतर्गत 1 जनवरी से 22 जनवरी तक देश के 30,000 से ज्यादा छोटे बड़े व्यापारिक संगठनों ने देश भर में 1.5 लाख से ज्यादा कार्यक्रम आयोजित किए। इन कार्यक्रमों में प्रमुख रूप से लगभग 2000 शोभा यात्रा, 5000 से अधिक बाजारों में श्री राम फेरी, 1000 से ज्यादा श्री राम संवाद कार्यक्रम, 2500 से ज्यादा संगीत में श्री राम भजन एवं श्री राम गीत कार्यक्रम आयोजित किए गए। वहीं 22 जनवरी को देश भर में व्यापारी संगठनों द्वारा बाजारों में 15,000 से अधिक LED स्क्रीन लगाई गई और 50,000 से अधिक संस्थानों पर सुंदरकांड, हनुमान चालीसा, अखंड रामायण एवं अखंड दीपक के कार्यक्रम किए गए। वहीं देश भर में 40,000 से अधिक भंडारे भी आयोजित हुए। देश दुनिया की हर खबर देखने के लिए बने रहिए TV9 भारतवर्ष के साथ।